दोस्तों मैं उत्कर्ष कुरबेट्टी दरवाजा बंद कर लो इस सीरियल में नए कहानी के साथ नया रंग लेके आया हूँ। कुछ लोग पैसे के लालच में अपने राह भूल जाते हैं, उनके लिए ये सच है कि पैसा खुदा नहीं है लेकिन पैसा खुदा से कम नहीं। जी वो तो घर पर नहीं है, ऑफिस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। आपको पता नहीं था क्या? पता है, इसलिए तो आया हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अब तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं आपसे एक बात कहना चाहता था पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज बड़ी हिम्मत जुटा कर आया हूँ। देखो जो भी बात करनी है वो सीधी सीधी कहो। बता रहा हूँ, दरअसल बात ये है कि आप मुझे तो बहुत पसंद हो। क्या? सच कह रहा हूँ। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तब से मुझे आप बहुत अच्छी लगने लगी। मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मेरे सपने उड़ गए। हर पल बस मैं आपको मेरा बनाने की सोच में पड़ा रहता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी दोस्त की बीवी हूँ, इतना भी अकल नहीं तुम्हें? मेरी पूरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं? मैं कहा तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रहने के लिए कह रहा हूँ। हाँ? मैं तो बस एक रात गुजारना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। छी, बेशर्म कहीं के, चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जाओ। अरे अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं ये काम मुफ्त में नहीं करना चाहता, चाहे तो 10,000 ले लो। 10,000? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम यहाँ से जाते हो या? 10,000 कम है क्या? 30,000 ले लो। देखो तुम मुझे अभी गुस्सा दिला रहे हो। तुम्हें क्या मैं ऐसी वैसी औरत लगती हूँ जो चंद पैसों के लिए किसी पराए मर्द का बिस्तर गरम करो? शांत हो जाओ यार, शोर क्यों मचा रही हो? 50,000 ले लो या फिर मैं 1,00,000 भी दे सकता हूँ। सोच लो, बस एक रात की तो बात है वरना मैं जा रहा हूं। रुको,
गुड मॉर्निंग सीता। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मुझे अभी 2-3-4 दिन लग जाएंगे। खुश? क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सही। अरे सीता, मैंने रमेश के हाथों 1.5 लाख भेज दिए। हाँ, वो मेरी कंपनी के पैसे है, तुम रख लेना, ठीक है? क्या? वो मेरी कंपनी के पैसे है? मिल गए। मैं ना आपसे बाद में कॉल करती हूँ। हेलो हेलो स्वीटहार्ट, तुम बोलती क्यों नहीं? हेलो, रुक कमीने, कुत्ते, रुक कमीने, दरवाजा बंद कर लो वरना दूसरा कोई आ सकता है। आ!